दोस्तों, वीडियो के थंबनेल को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में कुछ भी उल्टा सीधा लिखने से पहले मैं आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप वीडियो को पूरा एंड तक देख लीजिए और उसके बाद अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो कमेंट पे कुछ भी लिख सकते हो। तो बिना किसी देरी के लेट्स रोल द इंट्रो। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में मैं आपसे कहना देता हूँ कि परमैन की जो लास्ट मांग है जिसमें वो अर्थ छोड़कर बर्ड प्लैनेट चले जाता है वो इसकी ऑफिशियल लास्ट मांग है। हाँ दोस्तों, मैं आपको पहले ही कह दे रहा हूँ, लेकिन ये इसकी रियल लास्ट मांग नहीं है। वो कैसे, मैं इसको आगे में वीडियो में पूरा बताऊंगा। अब वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, फुजिगा फुजी एक ऐसे लेजेंडरी राइटर है जिन्होंने अपनी जिंदगी में कई सारे एनिमे कैरेक्टर्स को जन्म दिया है, जैसे डोरेमन हो गया, परमैन हो गया, फिर कितरिक्सी हो गया, निंजा थ्री हो गया, ऐसे बहुत सारे एनिमे कैरेक्टर्स को इन्हीं ने लिखा है। दोस्तों, अगर आप एक एनिमे फैन हैं तो आप ये ज़रूर जानते हैं कि हर एनिमे में एक कमाल की स्टोरी लाइन और एडवेंचर ज़रूर होती है, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन आप ये देखे होंगे कि परमैन में कमाल की स्टोरी लाइन ज़रूर है लेकिन कोई एडवेंचर है ही नहीं, बस वो चोर चक्करों को पकड़ते रहता है। दोस्तों, आप सोचेंगे इससे लास्ट एपिसोड का क्या कनेक्शन है। दोस्तों, इससे बहुत ही बड़ा कनेक्शन है। वो कैसे, मैं आपको आगे बताता हूँ। परमैन फुजिगा फुजी का लिखा गया एक लौता सुपर हीरो कैरेक्टर है। हाँ दोस्तों, एक लौता सुपर हीरो जिसे फुजिगा फुजी ने लिखा। इस फुजिगा फुजी ने अपने सारे कोई परमैन के अलावा किसी भी एनिमे में सुपर हीरो इंक्लूड नहीं किया है। हाँ दोस्तों, अकेला परमैन। तो दोस्तों, वो क्या पागल थे कि सुपर हीरो बन के वो बस चोर या फिर छोटे मोटे विलेन से लड़ेगा? नहीं दोस्तों, उनका परमैन के पीछे बहुत ही बड़ा प्लान था। पहले मुझे भी लगता था कि उन्होंने बस 108 की मांगा लिखी, लास्ट में बर्थ प्लान चला गया और उन्होंने उसके बाद लिखा नहीं क्योंकि परमैन उस समय ज़्यादा फेमस नहीं था। दोस्तों, उस टाइम में मैं गलत था। फिर मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि ऐसी बात नहीं है, फुजिगा फुजी सर की डेथ हो गई थी, उसकी वजह से उन्होंने परमैन की मांगा लिखने कोई और राइटर लिखे नहीं उसके अलावा। तब मुझे पता चला कि फुजिगा फुजी सर का असली प्लान क्या था। दरअसल वो बर्थ प्लैनेट के जरिए परमैन का सीजन 2 चालू करने वाले थे। हाँ दोस्तों, परमैन का सीजन 2। अब वो कैसे, देखिए, परमैन एक नॉर्मल से सुपर हीरो है जो छोटे मोटे चोर विलेंस को पकड़ता है, और अचानक वहाँ पे थैनोस आ गया तो वो कैसे जीत पाएगा, उसकी हार तो पक्की होगी ना। तो दोस्तों, तो उसके लिए उससे भी बनना पड़ेगा एक अल्टीमेट सुपर हीरो। अल्टीमेट सुपर हीरो तो अर्थ में रहकर नहीं बन सकता, उसे जाना पड़ेगा एक एडवांस जगह में, बर्ड प्लैनेट जैसी जगह में, तभी वो बनेगा एक अल्टीमेट सुपर हीरो। तो उसी वजह से फुजिगा फुजी ने परमैन के बर्ड प्लैनेट भेजा था ताकि वो एक अल्टीमेट सुपर हीरो बन सके और हाईटेक सुपर विलेन से, नेक्स्ट लेवल सुपर विलेन से लड़ सके। हाँ दोस्तों, आपको इसका एक जीता जाता एग्जांपल देता हूँ, वो है आजकल के फैनमेड स्टोरीज परमैन के। दोस्तों, अगर आप परमैन फैन हैं तो आप इसके फैनमेड स्टोरी कई सारे पढ़ेंगे, लेकिन हर स्टोरी में, ज़्यादातर स्टोरी में आपको ये देखने मिलता होगा कि कैसे परमैन अर्थ बर्थ प्लैनेट जाता है, उसके बाद एक वो अल्टीमेट लेवल का सुपर हीरो बनता है और फिर नए नए तरह के सुपर विलेन से लड़ता है। दोस्तों, वो क्यों करते हैं, वो अर्थ से क्यों सुपर हीरो क्यों नहीं बना देते, क्योंकि वो जानते हैं कि अर्थ पे रहकर वो अच्छा सुपर हीरो नहीं बन सकते, उसे एक अच्छी जगह जाना होगा सुपर हीरो बनने के लिए, तभी वो बर्थ प्लैनेट के लिए चुना हुआ। दोस्तों, मैं आपको वही समझाना चाहता हूँ कि परमैन की वो बर्थ प्लैनेट जरिए मांग ऑफिशियल लास्ट मांगा तो है, लेकिन असली में रियल लास्ट मांगा वो नहीं है। अब वो क्यों, उसका भी एक एग्जाम्पल आपको दूँ। इसका एक सबसे आसान एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, पर जैसे परमैन की एनिमेशन वाली लास्ट एपिसोड क्या है, व्हाट इज पाकोस ट्रेजर, तो क्या वो परमैन की लास्ट एपिसोड हो गया? नहीं, उसके आगे एपिसोड बना नहीं है, इसलिए वो उसकी अभी तक लास्ट एपिसोड है, लेकिन हम उसका असली लास्ट एपिसोड मानते हैं, नहीं, परमैन की मांगा को लास्ट एपिसोड मानते हैं। दोस्तों, वही मैं आपको कहना चाहता हूँ कि परमैन की लास्ट एपिसोड भी बनी नहीं है, बस हमें उसको मानते हैं। और सीना एनिमेशन ने ये बात समझानी और गलती से डोरेमन के एपिसोड में बता दिया कि कैसे सुमेरे अभी तक परमैन की इंतज़ार करती है बर्थ प्लैनेट से लौटने की। दोस्तों, हमारे पास इस चीज़ का भी एक एडवांटेज ज़रूर है कि उसमें बताया गया कि सुमेरे उसकी इंतज़ार करती है उसके आने के, लेकिन उसमें ये नहीं बताया गया कि परमैन कब गया था। ऐसा भी तो हो सकता है कि परमैन बर्थ प्लैनेट गया, फिर आया और फिर कुछ सालों बाद फिर से चला गया, उसके बाद सुमेरे फिर से इंतज़ार कर रही है मित्सो की। तो हमारे पास अभी भी एक चांस है कि परमैन को अभी तक बना सकते हैं कि उसकी लास्ट एपिसोड वो नहीं कि बर्थ प्लैनेट चला गया। दोस्तों, हमारे पास अभी भी एक एडवांटेज है, तो अपनी पूरी कोशिश करते हैं परमैन को वापस लाने की। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि वीडियो को लाइक कीजिए, लेकिन मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर परमैन फैंस को भी पता चले कि परमैन अभी ख़त्म नहीं हुआ, परमैन अभी भी जिंदा है, हम उसे वापस ला सकते हैं। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।